स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। देखिए, हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का जो सीरीज चलाया है, इसके फोर पार्ट में मैंने बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, ये सब मैंने आपको क्लियर किया। आज मेरा इस सीरीज का लास्ट वीडियो है, फिफ्थ नंबर का। इसमें मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रेयर है। बहुत से स्टूडेंट ग्राफ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और जिसके कारण प्रॉब्लम क्या होता है कि हम फिजिक्स के जब डेप्थ कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो वहाँ पर हम ग्राफ समझ नहीं पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं, और IIT में, नीट में जितना भी हमारा क्वेश्चन आता है वो मैक्सिमम ग्राफ पर बेस्ड होता है। जब हम न्यूमेरिकल्स भी बनाते हैं, जैसे अपन फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो मैकेनिक्स में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ओम्स लॉ पर ग्राफ, सेमीकंडक्टर पर ग्राफ, तो ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स का ये डिमांड था कि सर आप ग्राफ पर भी वीडियो बनाइए, तो मैंने आज के वीडियो को स्पेशली ग्राफ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक फंडामेंटल पर बेस्ड रखा है। तो आप ग्राफ को बहुत ध्यान से समझिए, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ग्राफ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बता दूं, और फिर मैं ग्राफ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। यदि आप आज के इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझते हैं तो आपको ग्राफ में, फिजिक्स में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट, जनरली हम ये वर्ड बार बार यूज करते रहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज दिस, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज दिस, लेकिन हमको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जिसके कारण हम ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट होता क्या है। देखिए, ज्योमेट्री के टू पार्ट्स होते हैं, जनरली अपन टू डायमेंशन ज्योमेट्री और थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री अपन यूज़ करते हैं। फिजिक्स में, मैकेनिक्स में जैसे आप पढ़ेंगे तो लीनियर मोशन, दैट मीन्स 1D ज्योमेट्री समझ लीजिए, तो ये लीनियर मोशन 1D हो जाता है। इसके बाद मोशन इन ए प्लेन, रोटेशनल मोशन, इस तरह से हम लीनियर मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, ये सब पढ़ते हैं जहाँ पर इसका यूज़ होता है। देखिए, मैं आपको 2D ज्योमेट्री पर पहले कोऑर्डिनेट एक्सप्लेन करूं। ये सपोज टू एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक थर्ड एक्सिस भी होता है 3D में, वो है ये, अभी ये जेड एक्सिस, जिसका एक्चुअल पोजीशन इस तरह से बोर्ड के बाहर होगा, जिसको हमने यहाँ रेड इंक से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। पहले मैं आपको 2D ज्योमेट्री पर बात करूं। सपोज अपने पास कोई पॉइंट है पी, मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। सपोज एक पॉइंट मेरे पास पी है, आपने लोअर क्लासेस में ग्राफ ड्रा किया होगा तो आपको किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता होता है। सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 5 and 6, सपोज 5, 6 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अब इस 5 और 6 को आप ग्राफ में किस तरह से सर्च करते हैं? सबसे पहले आप 5 पॉइंट्स के लिए आप पोजिशन फाइंड करना चाहेंगे, तो एक्स एक्सिस में ये इसका ओरिजिन है, आप एक्स एक्सिस में 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से ये डिस्टेंस आप लेंगे, और ये 5 इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। और वाई एक्सिस में आप 6 लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सपोज ये, इस तरह से ये जो हमारे पास ग्राफ है ये 5, 6 का पोजीशन हो जाएगा। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ इज एक्चुअली अवर इन्वर्स इज ए ग्राफ, हमारा जो पूरा इन्वर्स है वो ग्राफ है। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा किस तरह से हम पोजीशन फाइंड करते हैं। पहले मैं आपको ये डिफाइन कर दूं कि व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट्स। यहाँ आपको पता है कि 5 क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है, और 6 क्या है, वाई कोऑर्डिनेट्स है। तो जब आपने एक्स कोऑर्डिनेट्स को फाइंड किया तो आप किससे दूर गए? देखिए, ये वाई एक्सिस है और इसे हम दूर जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब वाई एक्सिस से हम डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट्स बनता है, और जब हम एक्स एक्सिस से दूर जाते हैं, ये एक्स एक्सिस से दूर जाते हैं तो हमको वाई कोऑर्डिनेट्स मिलता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स मिलता है।
दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ये बात अब कभी नहीं भूलिए, एक्स कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, नॉट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। हम वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस जाते हैं, देखिए हम वाई एक्सिस से जितना डिस्टेंस जा रहे हैं वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स है, और वाई कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट्स। जैसे आपको कभी किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्स एक्सिस बोल दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि दैट इज वाई कोऑर्डिनेट्स, नॉट एक्स कोऑर्डिनेट्स। आपको किसी न्यूमेरिकल में बोले द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम वाई एक्सिस इज दिस, दैट मीन्स दिस इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट्स। तो जस्ट अपोजिट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट्स मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर? इस तरह से हमारा जो थर्ड डायमेंशन होता है जेड एक्स जो डायरेक्शन होता है वो एक्स और वाई दोनों में से किसी के भी रेस्पेक्ट में डिस्टेंस हो सकता है। इस तरह से देखिए, ये हमारा थर्ड एक्स, मैं इस तीनों मार्कर से आपको इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ये इस तरह से देखिए, ये हमारे थ्री एक्सिस ऐसे होते हैं, ये रेड कलर एक्स एक्सिस है सपोज, ये ब्लू कलर का मेरा मार्कर वाई एक्सिस है, और ये ब्लैक कलर सपोज जेड एक्सिस है। अब यहाँ पर मैं ये कोई पॉइंट, सपोज यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को मुझे डिफाइन करना है। तो इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मुझको ये बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट का पोजीशन एक्स से कितना डिस्टेंस पर है, वाई से कितना डिस्टेंस पर है, और जेड से कितना डिस्टेंस पर है। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है, कोऑर्डिनेट्स एट इज द पॉइंट विच डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। और इसका हमको जरूरत क्यों पड़ता है, सपोज इस कमरे में मैं हूँ और मैं अपना यहाँ पोजीशन बताना चाहता हूँ, तो मैं कैसे डिफाइन करूँगा कि मैं इस वाल से कितना डिस्टेंस पर हूँ, दैट इज माई एक्स कोऑर्डिनेट्स, इस वाल से कितना डिस्टेंस पर हूँ, दैट इज माई वाई कोऑर्डिनेट्स, और रूप से या फ्लोर से कितना डिस्टेंस पर हूँ, दैट इज माई जेड कोऑर्डिनेट्स। और यदि कोई मुझे बता दे, यदि इस कमरे के बाहर कोई आदमी हो और आप वहाँ उस आदमी को यह बता दो कि सर अपने क्लासरूम से इस वाल से इतने मीटर के डिस्टेंस पर हैं, इस वाल से इतने मीटर के डिस्टेंस पर हैं, और छत से इतने मीटर के डिस्टेंस पर हैं, तो वो आदमी आके मुझे यहाँ से मैं चले भी जाऊँ तो आके मुझे ये बता सकता है कि सर अभी कहाँ खड़े थे। एग्जैक्टली, आप मेरा एग्जाम्पल समझ रहे हैं। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट को हमको आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअल में वो यूनिवर्स में कहाँ पर है, स्पेस में कहाँ पर है। तो कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए मैं इस पर इतना डिटेल डिस्कस आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है कि मैं कभी भी जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पर स्टूडेंट से बात करता हूँ तो वहाँ पर स्टूडेंट क्या परेशान हो जाता है, कोऑर्डिनेट्स नहीं समझ पाता या इन चीज़ों को नहीं समझ पाता, उल्टा लिख लेता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस को एक्स कोऑर्डिनेट समझ लेता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। तो मैंने क्या बताया, व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स इज द पोजिशन ऑफ पॉइंट विच डिटरमाइन इट्स पोजिशन, वो उस पॉइंट का पोजिशन बताता है कि तीनों एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। इसके बाद इसमें एक छोटा सा फार्मूला यूज होता है 2D 3D के लिए, वैसे 2D फार्मूला पर ही आपका काम चल जाएगा, ये कहीं कहीं पर यूज हो सकता है किसी न्यूमेरिकल्स वगैरह में। देखें, ये ए एक पोजिशन है, एक बी एक पोजिशन है, और ए पोजिशन का कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 है, और बी पोजिशन का कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 है। तो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस होता है, दैट मीन्स ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, इसको बोलते हैं द फार्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी इक्वल टू रूट ऑफ x1 - x2 होल स्क्वायर, और x2 - x1 आल्सो, क्योंकि होल स्क्वायर में ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप यूज करेंगे तो आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। ये है कोऑर्डिनेट। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ग्राफ बनते हैं, दैट मीन्स ग्राफ एक्चुअल में क्या है, ग्राफ इज ए लाइन, ग्राफ एक्चुअल में एक लाइन है, ग्राफ में अपन एक लाइन करते हैं विच इज स्ट्रेट लाइन, आइदर स्ट्रेट लाइन आर कर्व आल्सो। क्लियर? वो ग्राफ क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या कर्व भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर देखते हैं अपन के ग्राफ होते क्या है। देखिए
graph. Graph is a line. Graph एक line है which is straight line or curve. तो graph में देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर समझाता हूं straight line के बारे में. फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन ग्राफ का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है. स्ट्रेट लाइन ग्राफ से मैकेनिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जो आप वन डायमेंशन मोशन में पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ बहुत ज़्यादा यूज होता है. तो यहाँ पर मैं एक एक करके आपको इसका इक्वेशन बताते जा रहा हूँ. जैसे सबसे पहले इसका जो इक्वेशन होता है, फर्स्ट इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है. यदि कहीं पर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में मिले तो आपको समझ जाना है कि वह स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है. अब इसमें कौन कौन सा वेरिएबल क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज ये टू एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये हमारा स्ट्रेट लाइन वाई कॉट एम एस प्लस सी जो है वो ये है जो मैं आपको रेडिंग से बनाया. ये इसका इक्वेशन है. ये पॉइंट ओरिजिन है, इसको जीरो जीरो कहा जाता है. ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम जो है, एम इस एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनाता है दैट इज थीटा. थीटा तो एम को यहाँ बोला जाता है, एम इज स्लोप ऑफ द ग्राफ. आपको 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में ही इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए. स्लोप ऑफ ग्राफ, एम इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ग्राफ विच इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, दैट इक्वल टू ये टेन थीटा के इक्वल होता है. एम इक्वल टू टेन थीटा होता है. तो यहाँ पर जो है वेरिएबल यूज किया गया है एम, वो स्लोप ऑफ द ग्राफ है. स्लोप मतलब ढाल, कि वह एक्स एक्सिस से कितना स्लोप बनाता है. क्लियर, ये कहलाता है इसका स्लोप ऑफ द ग्राफ. और यदि हमको यहाँ का थीटा एंगल पता हो तो हम एम का वैल्यू फाइन कर सकते हैं किसके हेल्प से, एम इक्वल टू टेन थीटा से. तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एम क्या है. एक्स और वाई तो यहाँ पर वेरिएबल्स हैं. इसके बाद देखिए ये सी क्या है. तो सी यहाँ पर है, ये जो ओरिजिन है जीरो जीरो और ये जो वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट पॉइंट है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये सपोज ये डिस्टेंस है. इस पॉइंट को सपोज मैं ओ ए कह दूँ, तो ये जो ओ ए डिस्टेंस है, ये ओ ए डिस्टेंस ही क्या है, इंटरसेप्ट लेंथ है सी. मतलब सी यहाँ पर क्या हुआ, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को कितना लेंथ में इंटरसेप्ट करता है, कितने लेंथ में उसको काटता है, ये कहलाता है क्या इसका सी. तो वाई इक्वल टू एम एस प्लस सी स्ट्रेट लाइन का एक फॉर्म होता है. एक बात आप ध्यान में रखेंगे, यदि इसको मैं कैलकुलस के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर दूं, यदि इसको कैलकुलस के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूं, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पर एम कॉन्स्टेंट है तो ये एम हो जाएगा, और C है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो M इज आल्सो इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. दैट मीन्स मैंने यहाँ पर M का आपको दो फार्मूला बताया, M इक्वल टू टेन थीटा. यदि आपको टेन थीटा पता हो, थीटा पता हो, तो आप टेन थीटा के हेल्प से इसका ग्रेडियंट निकाल सकते हैं. और यदि आपको थीटा नहीं पता है तो जो वेरिएबल है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तब भी आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा. यह दोनों फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे. स्ट्रेट लाइन पर इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं. इसके बाद इसमें मैं कुछ आपको इसके स्पेशल कंडीशंस बता दूं. सपोज वाई इक्वल टू एक्स, सपोज किसी इक्वेशन में आपको वाई इक्वल टू एक्स मिलता है या वाई इक्वल टू के इंटू एक्स मिलता है, के इंटू एक्स, दैट मीन्स यहाँ वाई प्रोपोर्शनल टू आप एक्स लिख सकते हो, क्योंकि यह के कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट और इक्वल प्रोपोर्शनल के साइन में चेंज हो जाते हैं. तो किसी स्ट्रेट लाइन में आपको y इक्वल टू एनी कांस्टेंट इंटू एक्स मिले, y इक्वल टू एनी कांस्टेंट इंटू एक्स, दैट मीन्स y प्रोपोर्शनल टू x. तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनेगा. ये ग्राफ ऐसा होगा y इक्वल टू के इंटू एक्स. और फिजिक्स में बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है. फॉर एग्जाम्पल ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आप पढ़ेंगे तो वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, वी प्रोपोर्शनल टू आई. और आप देखना कभी भी कि जब ओम्स लॉ के लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो इस तरह से ग्राफ ड्रा करते हैं. तो ये एक स्पेशल कंडीशन है, ये स्पेशल कंडीशन को आप
आप इसको लर्न करके रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे कि यदि एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, दैट मीन्स इस फॉर्म में हो, तो उसका स्ट्रेट लाइन इस तरह से ग्राफ होता है। क्लियर? एंड नेक्स्ट इज सपोज y इज एग्जैक्टली इक्वल टू x, यहां कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब 1 है वहां पर, तो y x के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्राफ होता है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन को टच करेगा, लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये होता है, ये जो थीटा है मतलब x एक्सिस के साथ जो बनाया गया एंगल है वो 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने बताया कि y इक्वल टू एनी कांस्टेंट टू x हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन यहाँ पर एंगल डिफाइन नहीं है, ये दोनों एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन y एग्जैक्ट x के इक्वल हो, सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के एग्जैक्ट इक्वल हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही मिलता है एंड थीटा इज 45, दैट मीन्स दोनों एंगल 45 डिग्री का होता है, मतलब इसको एंगल बाइसेक्ट करते हुए ये स्ट्रेट लाइन जाता है। क्लियर? ये हो गया स्ट्रेट लाइन और उसके केस। अच्छा, इसमें एक केस मैं आप और बता दूं कि कई जगह फिजिक्स में क्या होता है, इसको इरेज करता हूं मैं, ये वाला पोर्शन इरेज करता हूं, इसका थर्ड केस बताता हूं। देखिए, केस नंबर 3, दिस टाइप ऑफ ग्राफ, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक ग्राफ यहां पर मैं ड्रा करता हूं जो इस तरह से है, दैट मीन्स पैरेलल विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो डिस्टेंस है वो सपोज के है, तो जब कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू के, अपोजिट होगा, एक्स का पैरेलल है तो वाई इक्वल टू के होगा, और इसी तरह से यदि ऐसा हो जाए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैं सपोज स्ट्रेट लाइन को वाई एक्सिस के पैरेलल कर दिया, और ये डिस्टेंस को मैंने ले लिया के, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो ये वाई के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू के, ये एक्स इक्वल टू के, ये वाई इक्वल टू के, दैट मीन्स इफ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल विथ एक्स एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज वाई इक्वल टू के, एंड इफ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल विथ वाई एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज एक्स इक्वल टू के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट्स, तो इस लाइन का यहां से कांस्टेंट डिस्टेंस है, मतलब इसका जो एक्स से डिस्टेंस है जो कि वाई कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज नहीं हो रहा है, ऑलवेज कांस्टेंट है। तो ये दोनों केस आप ध्यान में रखेंगे कि किस कंडीशन में क्या होता है। यदि आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो आपको फिजिक्स में जहां जहां पर भी स्ट्रेट लाइन की जरूरत पड़ेगा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज कर्व लाइन। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कर्व लाइन। कर्व लाइन मतलब लाइन क्या हो, कर्व फॉर्म में हो, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में ना हो, तब उसको जो फिजिक्स में जनरली जो यूज होता है कर्व, वो सेकंड इज कर्व। तो कर्व में सबसे पहले अपन देखते हैं फर्स्ट सर्कल। सर्कल आप सभी को पता है कि सर्कल में यहां पर, चलिए देखिए सर्कल क्या है, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका रेडियस है, ये ए भी रेडियस होगा ए। तो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। वैसे देखिए मैथमेटिक्स में सर्कल बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको स्टार्टिंग से अपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो में एक बात मैं जरूर याद दिलाता हूँ कि आपको मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टूल्स पढ़ा रहा हूँ, मैं कंप्लीट आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथमेटिक्स के टूल्स पढ़ा रहा हूँ। दैट मीन्स टूल्स मतलब मैं सिर्फ आपको उतना टूल्स देना चाहता हूँ जो फिजिक्स में जरूरत होगा, अदरवाइज आपको पूरा मैथमेटिक्स पर रिसर्च नहीं करना है, आपको उतने टूल्स यूज करना है जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो मैथ्स में अपना पढ़ेंगे। तो सर्कल के बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, लेकिन मैं उतना बता रहा हूँ जिससे आपका फिजिक्स का काम चल जाएगा। तो कहीं पर भी जैसे कहीं पर आपको पाथ निकालना होगा, आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे
और वहां पर आपको कोई पाथ निकालना होगा। अब पाथ इज सर्कल, फिर आप पहचान नहीं पाएंगे सर्कल कैसा होगा। तो कभी भी आपका कोई इक्वेशन इस फॉर्म में आता है तो डिफाइन हो जाता है कि क्या है, वो सर्कल है। क्लियर। नेक्स्ट इज बी, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, देखिए पैराबोला एक्चुअल में पैराबोला का शेप इस तरह से होता है। इसका थ्री इक्वेशन होते हैं, एक शेप पैराबोला का ये है, इस तरह से ये पैराबोला शेप कहलाता है। और इस पैराबोला शेप का जो इक्वेशन होता है वो है y square equal to k into x, where k is any constant, y equal to k into x। तो यदि आपको किसी भी कर्व का इक्वेशन इस फॉर्म में मिले, इस फॉर्म को मैच करे, तो आप समझ जाइए कि क्या है वो पैराबोला। अभी आप तुरंत फर्स्ट चैप्टर जब आप फिजिक्स का पढ़ेंगे तो आप वहाँ पढ़ेंगे द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। फिर वहाँ पर स्टूडेंट बहुत परेशान होता है कि उसका पाथ पैराबोलिक कैसे हुआ। तो जब फाइनल इक्वेशन आप फाइंड करेंगे और वो इस फॉर्म में आ जाए तो आपको समझ जाना है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मतलब इस फॉर्म में आया तो समझ जाना क्यों पैराबोला है। इसके बाद इसका यदि इस डायरेक्शन में इक्वेशन मिल जाए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। बस यहाँ पर माइनस क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट है। क्लियर। एक फॉर्म इसका ऐसा भी होगा यदि इस अपवर्ड डायरेक्शन, इस ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, यदि इसका इक्वेशन लिखना है आपको तो इसका इक्वेशन जैसे वाई स्क्वायर है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा के वाई। इस फॉर्म में वाई इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल टू रहेगा तो एक्स एक्सिस का पैराबोला है वो, और यदि एक्स स्क्वायर रहेगा तो वाई एक्सिस का पैराबोला है। सिमिलरली हम यहाँ पर भी ऐसा लिख सकते हैं, ये इसका जस्ट अपोजिट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के इंटू वाई। इस तरह से पैराबोला का फोर इक्वेशन होता है, ये आप लर्न कर लीजिए और ये आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा कि कहीं पर भी आपको किसी पाथ को, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के पाथ को या किसी भी पार्टिकल का डायरेक्शन को आपको फाइंड करना होगा और आपको बोला जाएगा कि उसका पाथ पैराबोलिक है, तो आप एक इक्वेशन के बेस पर उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उसका पाथ पैराबोलिक है। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज एलिप्स। एलिप्स, द फिगर ऑफ एलिप्स इज, देखिए इस तरह से होता है। एलिप्स का फिगर क्या है, सर्कल से थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, लेकिन यहां पर ये ऐसा होता है। जैसे आप केपलर्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर आपको टीचर पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या बोलूंगा, द पाथ ऑफ एनी प्लैनेट्स इज इलिप्टिकल। अब वहां पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, फिर वहां पर स्टूडेंट पूछता है सर इलिप्टिकल क्या होता है। इस तरह से यदि मैं ग्राफ में उसका बेसिक फंडामेंटल देख, एक्चुअल में होता क्या है कि यदि कोई भी फिजिक्स का टीचर आपको मैथमेटिकल टूल्स को बहुत अच्छे से क्लियर करता है तो आपसे ज़्यादा उसको टीचर को खुद हेल्प मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि उसको पढ़ाना है आगे उसको, तो आप उसकी बात को बहुत अच्छे से तभी समझ सकेंगे जब आपका बेस क्लियर होगा। इसलिए जब मैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाता हूँ तो मेरा पूरा फोकस इस बात पर होता है कि स्टूडेंट को जितना ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, क्योंकि फ्यूचर में जब उन चीज़ों को मैं पढ़ाऊँगा तो मेरे लिए वो हेल्पफुल होगा। मैं आपको बोल सकता हूँ कि मैंने एलिप्स में पढ़ाया था, मैंने आपको पैराबोला में पढ़ाया था। इसलिए हम दोनों इसको प्रिपेयर करके चले तो आगे हमको फिजिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। यही सब तो पुअर होता है बेस, इसलिए फिजिक्स हमको बर्डन लगने लगता है। अदरवाइज जिस वे से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, यदि प्रॉपर उस वे को आप रिसीव करिए, आप उस पर चलिए, तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो ये एलिप्स का फिगर है, ये इसका सेंटर है जीरो जीरो, और ये जो देखिए ये डिस्टेंस लॉन्ग है, ये साइड डिस्टेंस है, इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये इसका वैल्यू सपोज ए है और इसका यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सपोज बी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है क्योंकि इस तरह से दबा हुआ है। जो प्लैनेट्स होते हैं ना, जो सन के अराउंड, जैसे हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो जो सन के अराउंड जो मोशन करते हैं वो एक्चुअल में इलिप्टिकल पाथ में करते हैं। इसको केपलर ने बताया था, केपलर्स में आप लोग पढ़ोगे। और इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू वन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो देखिए फाइनली मैं आपको बस ये बता दूं कि ये जो फिगर है, और ये बात भी मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट और बायो लेने वाले स्टूडेंट्स दोनों फिजिक्स पढ़ते हैं और दोनों का मैथ्स में अप्रोच अलग अलग होता है। जैसे ये जो टॉपिक है वो मैथ्स का स्टूडेंट अपने मैथ्स में तो पढ़ लेगा तो फिजिक्स में उसके लिए हेल्पफुल हो जाता है, लेकिन जितने स्टूडेंट्स बायो लिए हुए हैं
उनके लिए ये सब 10th क्लास तक होता नहीं और यूज़ फिजिक्स में होता है, इसलिए उन लोग को इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं नेसेसरी अपने हर वीडियो में बात याद दिलाता हूँ कि बायो के स्टूडेंट हैं जो खासकर, वो इससे इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं, इसको ढंग से समझें और फिजिक्स को ईजी करिए। डियर स्टूडेंट्स, फाइनली आज मेरा जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था वो 5 पार्ट में मैंने कंप्लीट किया। ये मेरा 5th और लास्ट पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि आप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं 12th के स्टूडेंट्स को भी, मेरे 12th के जो स्टूडेंट मेरे 12th के वीडियो देख रहे हैं उनको भी मैं उस वीडियो पर उनको ये बात बताता हूँ कि यदि उनका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स पुअर है या ढंग से उनको नहीं पता, तो उनको भी मेरा एक सजेशन है कि आप 12th फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले एक बार ये मेरे 5 वीडियोस एक बार आप देख लीजिए और अपने मैथमेटिकल टूल्स को स्ट्रांग करके आप फिजिक्स स्टार्ट करिए। मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में जो आपसे बात किया था वो फिर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हमारे कार का फ्यूल्स है। जब तक हमारे कार में फ्यूल्स नहीं होगा, कार बेकार है। और ये भी बात आपको पता है कि कार का फ्यूल्स जब ख़त्म हो जाता है तो कार को हम घर में खड़ी नहीं कर देते, हम उसको जाके पेट्रोल टैंक में अगेन उसको रिफिल कराते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। दैट मीन्स आपका मैथमेटिकल टूल्स यदि भूल गए तो उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज करके मेमोराइज करिए। तो आपने बहुत अच्छे से मेरे मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ा, उसको आप कंटिन्यूअस उसके फ़ायदा उठाइए। ओके, थैंक यू।